भारत माता की, एकलिंग नाथ की, श्रीनाथजी भगवान की, द्वारिकाधीश की, यहाँ उपस्थित जिनके नामांकन में इतने लोग सहयोग समर्थन और आशीर्वाद देने आए हैं, और जैसा अभी दिया कुमारी जी ने कहा कि ये प्रत्याशी नहीं सांसद है, आदरणीय महिमा कुमारी जी, और जिस नामांकन में विशेष रूप से जिन्होंने इस संसदीय क्षेत्र में विकास के कई आयाम स्थापित किए, ऐसे आदरणीय दिया कुमारी जी, प्रदेश की यशस्वी उप मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार के हमारे मंत्री आदरणीय अविनाश जी, माननीय जोराराम जी, माननीय मंजू जी, यहां उपस्थित हमारे पार्टी के पूर्व मंत्री और विधायक आदरणीय अजय सिंह जी, हरी सिंह जी, विधायक आदरणीय महाराज कुमार साहब, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी, लक्ष्मण कलरू जी, शंकर सिंह जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष मान सिंह जी, यहाँ के जिला प्रमुख महोदया, पूर्व सांसद और यहाँ के प्रभारी माननीय पुष्प जी जैन साहब, और इस क्षेत्र के पूर्व सांसद आदरणीय गोपाल सिंह जी इडवा साहब, मंचा सिंह, सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, और इस पंडाल में उपस्थित 4 जून को 400 पार कराने वाले और राजसमंद को राजस्थान में एक नंबर पर लाने वाले सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, एक नंबर पर आना है तो जोरदार ताली बजाओ कि हम एक नंबर पर आके रहेंगे। आज इस नामांकन सभा में जिस बड़ी संख्या में लोग यहां आए हैं, और ये राजसमंद लोकसभा तो सौभाग्यशाली है कि यहां से आदरणीय किरण जी ने भी प्रतिनिधित्व किया, तो आदरणीय हरिओम सिंह जी के साथ भी हम सब लोगों को काम करने का अवसर मिला, तो आदरणीय दिया कुमारी जी ने भी सांसद रहते हुए यहां विकास के आयाम स्थापित किए, और 2009 में गोपाल सिंह जी इडवा साहब भी यहां से सांसद थे, अब वो भी जय श्री राम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए आप और हम सब लोगों के साथ खड़े हैं, तो अब के जीत करारी होनी चाहिए, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। इस नामांकन सभा में मैं सभी बैठे देवतुल्य जनता जनार्दन से इतना ही कहूंगा कि आप और हम सब लोग यहां एकत्र आए हैं, लेकिन आज से ठीक 100 दिन पूर्व, 3.5 माह पूर्व विधानसभा के चुनाव में आपने 8 के 8 कमल खिलाए, इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये लोकसभा ऐसी है जहां से आपने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया, और इस लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से जो जोश उत्साह दिख रहा है, मुझे लगता है कि राजस्थान में भी इसका इतिहास बनेगा और देश में रिकॉर्ड मतों का इतिहास बनेगा। लोकसभा चुनाव के बारे में मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कई बातें आपके बीच में कही, क्योंकि 3 बजे हमारा कार्यालय का उद्घाटन है, मैं 5 मिनट में आपके बीच में 2-3 बातें कहूंगा। ये निश्चित है कि पूरे देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए चल पड़ी है, लेकिन हमने जो लोग थोड़ा बहुत दाएं बाएं हैं, जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मत दिया है, उनको भी आप कहें कि ये चुनाव है सनातन को गाली देने वाला और सनातन को सम्मान करने वालों का चुनाव। आपने देखा होगा
आज ही कांग्रेस पार्टी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता जो राहुल गांधी के कोर टीम के मेंबर थे गौरव वल्लभ जी, उन्होंने कहा कि मैं ऐसी पार्टी में नहीं रह सकता जो सनातन को गाली देने का काम करती है। और यह वीर धरा तो ऐसी है जहां मथुरा से प्रभु श्रीनाथ जी को सुरक्षित स्थान देने का काम ये मेवाड़ के इस परिवार ने किया था। आप और हम सब लोगों ने देखा है कि यहां अकबर हो चाहे कोई भी आक्रांता हो, और यह धरती तो ऐसी है जिस धरती ने आज दुनिया के किसी कोने में यहां का कोई व्यक्ति जाएगा तो उसको अलग से सम्मान मिलेगा कि मेवाड़ की धरती से आए हो। और आप और हम सब लोग, मैं सौभाग्यशाली हूं कि चित्तौड़ की धरा ने और हम सब लोगों की मांग के ऊपर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आजादी के 60 वर्षों में जितना नहीं किसी ने नहीं दिया उतना मोदी जी ने इन 10 वर्षों में दिया है। जो लोग कह रहे हैं ना क्या होगा ट्रेन का, मावली से बड़ी सादरी 2014 से 19 में कंप्लीट हो गई और 20 में छुक 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 करके रोल देड़ पड़ी है, और बड़ी सादरी से नीमच वहां का काम चल पड़ा है, और मावली से मारवाड़ का भी काम चल पड़ा है। वो दिन दूर नहीं जब मालवा से मेवाड़ और मेवाड़ से मारवाड़ के बीच में सरपट रेलगाड़ी दौड़ती हुई दिखाई देगी। ये वो चले गए वो दिन जब शिलान्यास होता था और भूल जाते थे, लेकिन अब वो दिल्ली में मोदी जी की सरकार है, जो शिलान्यास भी मोदी जी करते हैं तो उसका उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी जी करते हैं। मैं आपके बीच में इतना ही कहूंगा, ये 26 तारीख का लोकतंत्र का महापर्व है, इस महापर्व में सिर्फ सांसद चुनने का अवसर नहीं है, ये विकसित भारत के सपनों को आगे बढ़ाने का भारत है जिसकी नींव नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में रखी थी। मित्रों आप देखिए कि 2014 से पहले का दृश्य क्या था, 2014 से पहले राजा थे, 2014 के बाद सेवक आए हैं, 2014 से पहले तुष्टिकरण था, 2014 के बाद संतुष्टिकरण आया है, 2014 से पहले बेरोजगारी थी, 2014 के बाद कौशल आया है, 2014 से पहले समस्या थी, 2014 के बाद समाधान आया है, 2014 से पहले जिसको राजपथ कहते थे 2014 के बाद वो कर्तव्य पथ कहलाने लगा है, 2014 से पहले जहां कहा जाता था कि राम कभी पैदा नहीं हुए काल्पनिक है, रोड़े अटकाए जाते थे, 2014 के बाद दिव्य और भव्य राम लला का मंदिर बना है, 2014 से पहले धारा 370 लगी थी, 2014 के बाद जिसने कभी कल्पना नहीं की उस धारा 370 हटा के कश्मीर में तिरंगा फहराने के काम हुआ है, 2014 से पहले आतंकवाद